नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, बेकिंग सोडा बिस्तर पर फैला दें और फिर देखें कमाल। पूरे घर की साफ सफाई तो हो जाती है, लेकिन जब मैट्रेस की बात आती है तो हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन इन्हें समय समय पर साफ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डेड स्किन सेल्स, पसीना, धूल के कण और न जाने कितनी तरह की गंदगी लगी होती है। इसीलिए ये अस्थमा और दूसरी एलर्जी का कारण बनता है। क्योंकि कुछ होम टिप्स या डिफरेंट ट्रिक्स अपनाकर इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। अब हमको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे अनुकूल टिप्स जो हर एक के काम आ सकते हैं। मैट्रेस पर बेकिंग सोडा फैलाकर रात भर रहने दें। अगली सुबह उसे झाड़कर वैक्यूम कर लें। स्मेल के साथ गंदगी भी क्लीन हो जाएगी। मैट्रेस को रेगुलर वैक्यूम करते रहें ताकि धूल के कण, पेट्स के बाल और सभी तरह की गंदगी मिनटों में क्लीन हो जाए। मैट्रेस पर किसी भी तरह का जिद्दी या खून का दाग लगा है तो उस पर हाइड्रोजन परऑक्साइड डालकर छोड़ दें। कुछ देर बाद किसी कपड़े से क्लीन करें। एक बड़ा चम्मच लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट 2 कप ठंडे पानी में मिलाएं। कपड़ा डीप कर अफेक्टेड एरिया पर लगाएं। कुछ देर बाद टूथब्रश से रब कर टिश्यू पेपर से ड्राई करें। समय समय पर मैट्रेस को धूप में कुछ घंटे रखना चाहिए। कुछ देर बाद इस पर डंडा चलाएं, इससे आप उसकी धूल, स्मेल और फफूंद निकल जाती है। मैट्रेस की स्मेल से छुटकारा पाने के लिए एंटी आडोर स्प्रे प्रोडक्ट यूज करें। इसे अप्लाई करने के बाद उस पर लॉन्ड्री ड्राइंग शीट रखकर आधा घंटे रहने दें। मैट्रेस के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए एक कपड़े में अल्कोहल लेकर अफेक्टेड एरिया पर लगाएं और फिर उसे टिश्यू पेपर से ड्राई कर लें। क्लीन हो जाएगा। जिस घरों में छोटे बच्चे मैट्रेस खराब कर देते हैं, उन्हें एंजाइम फेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को